नकारने या उसको इनकार करना कोई मायने नहीं रखता, सब चीज सामने में आ चुका है। इसलिए पाकिस्तान क्या रिएक्शन करता है उस पर अभी ज्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आरोप लगा रहे भारत का टैक्टिक्स है सर, इसमें टैक्टिक्स देखिए, इसमें ज्यादा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अभी हमारे 17 जवान इस हादसे में जो अपना जीवन खो दिया है, उनके फैमिली मेंबर्स भी बहुत दुखी है, उनके दुख में हम भी भागी हैं, और जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी वो फजूल नहीं जाएगा, उसके लिए पूरे देश के लोग एक होकर मुंह तोड़ उसका जवाब देंगे। All these groups, whether Lashkar or Jaish, they are being enabled by the other side, particularly the Pakistani agencies. Those who have served in that area and along the line of control, almost 100%, you know, there is consensus that nobody can quote unquote infiltrate from the other side without the direct support of the Pakistani military and the agencies. अब गोली का जवाब गोली होना चाहिए, और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए भारत सरकार को दूसरे देशों के साथ मिलकर के पहल करनी चाहिए। यह घटना सबूत देती है कि पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान की फौज की तरफ से सारा कुछ हिंदुस्तान में जो आतंकवाद की वारदात हो रही है। Lopsided monopoly of Indian government at present also and in the past also towards Pakistan, towards terrorists and in particular towards Hurriyat country. But they have been given a very long rope to behave like this.